ये सदस्यता अभियान मेरे देश का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है। हमने हमारे ट्राइबल इलाके, मुझे याद है एक सदस्यता अभियान के समय मैं हिमाचल में मेरा दौरा था, ये नड्डा जी के इलाके में, और मैं पहाड़ी क्षेत्रों में जाना चाहता था। एक पोलिंग बूथ पर जाने में मेरा एक दिन लगता था, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था और वहां जाकर के एक 20-22 लोगों की मीटिंग करके मैं नीचे उतरता था, पूरा दिन मेरा चला जाता था। लेकिन मुझे आनंद होता था कि वहां कोई तो होता था जो पूछता था कि साहब ठंड बहुत है, पहले चाय पी लीजिए। यानी किसी ने तो तपस्या की थी, किसी ने तो मेहनत की थी। क्या हम हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उसमें भी, अभी जैसे आपने देखा होगा पीएम जनमन योजना शुरू की है, ये पीएम जनमन योजना हमारे आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसे ऐसे इलाके हैं, ऐसे ऐसे समूह है जहां व्यवस्थाएं इतने सालों के बाद भी पहुंच नहीं पाई थी। हमने पीएम जनमन योजना बना करके स्पेशल एफर्ट शुरू किया है, वो पॉलिटिकल वोट बैंक की ताकत नहीं है क्योंकि बहुत छोटी संख्या में है। लेकिन साथियों, अगर उंगली का नाखून भी पक जाता है ना तो पूरे शरीर में दर्द होता है, वो भी तो मेरा शरीर के हिस्से हैं, वो दुखी हो पीड़ित हो, मेरे देश में मुझे भी उसकी पीड़ा होती है। इस पीड़ा का अनुभव करते हैं तब जाकर के पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। सरकार तो पहुंचेगी, रोड भी बन जाएंगे, बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन कमल कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? और इसलिए साथियों, हम इस प्रकार से फोकस करके इन समाजों तक हम पहुंच सकते हैं क्या? आज देश में वो लोग जिन्होंने तीन तीन चार चार पीढ़ी में पक्का घर नहीं देखा था, जिनका कोई अता पता नहीं था, वो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारते थे, वो फुटपाथ पे जिंदगी गुजारते थे, आज यहां तो कल वहां, ऐसा ही उनका बसेरा हुआ करता था। ऐसे 4 करोड़ परिवारों को हमने एड्रेस दिया है। और जब जिंदगी में घर का पता तय हो जाता है ना, तो मंजिल का पता भी अपने आप बनने लग जाता है। जिनको घर मिला है, जिनके जिंदगी में अब अपना एक स्थायी, पीढ़ियों के बाद चार चार पांच पांच पीढ़ी में कभी उन्होंने पक्के घर में जिंदगी नहीं गुजारी होगी, क्या ये मौका नहीं है दोस्तों उनके पास जाने का? लिस्ट लेकर के उनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या उसको नहीं लगना चाहिए कि जिस कमल ने मेरे घर की दीवारें बनाई हैं, उस कमल को मैं अब दिल के अंदर जगह दे दूं, ये भाव उसके अंदर पैदा नहीं हो सकता है? और इसलिए मैंने कहा कि हमारे लिए ये हमारा जो परिवार का विस्तार है, वो विस्तार अपने आप को फैलाने का है, ऐसा नहीं है, अनेक लोगों को अपने आप में समाने का है, हमारे भीतर समाहित करना है, हमारे सुख दुख का साथी बनाना है।
और तब जाकर के एक ऐसा भाजपा परिवार पूरे देश में निर्माण होता है जो राष्ट्र के सपनों को पूरा करने के लिए एक कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। और इसलिए साथियों, इस सदस्यता अभियान को एक पवित्र कार्य मान करके हमने करना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति सदस्य बनता है ना, जैसे कोई नया बच्चा स्कूल जाता है तो मां बाप कैसा माहौल बनाते हैं, तिलक करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उसी भाव से सदस्य बनना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा आज मुझे इस वातावरण में सदस्य बनने का मौका मिला। उत्सव के वातावरण में मैं सदस्य बन रहा हूं। हम भी सदस्यता अभियान को उत्सव में परिवर्तित करें। सामने वाला हमारे परिवार में जुड़ रहा है, मतलब हम बड़े गौरव अनुभव कर रहे हैं कि आप हमारे यहां आए। हमें यह भाव नहीं लाना चाहिए कि हमने उपकार किया है तुम्हें मेंबर बना के। नहीं, आपने देश हित के लिए आगे आए हैं, हमारे लिए गौरव की बात है, आप हमारे एक साथी बन गए हैं जीवन में, इससे हमें और क्या धन्यता चाहिए। साथियों, आज जो 18-20 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने वो अखबार नहीं पढ़े हैं जिसकी हेडलाइन हुआ करती थी कि आज इतने लाख का घोटाला हो गया, आज इतने करोड़ का घोटाला हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आज जो 18-20 साल के बच्चे हैं, उन्होंने ये पढ़ा नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि 10 साल 11 साल के पहले देश की हालत क्या थे। उसने एक नया हिंदुस्तान देखा है और इसलिए उसके सपने भी वहीं से शुरू हो जाते हैं। और तब जाकर के हमारी जिम्मेवारी अनेक गुना बढ़ जाती है। क्या हमारा दायित्व नहीं है कि 18 से 25 साल की एक पूरी पीढ़ी को टारगेट करके, प्लान करके भारतीय जनता पार्टी से जोड़े, ताकि उनको भी पता चले कि उनके माता पिता ने कितने बुरे दिन देखे थे, उनके माता पिता कितनी मुसीबतों से गुजरते थे। एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए उनको एमएलए एमपी के घर में चक्कर काटने पड़ते थे। एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए उनको सालों तक इंतजार करना पड़ता था। कभी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था, अंधेरे में जिंदगी गुजर जाती थी। बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रबंध नहीं था। 18 से 25 साल के उन हमारे देश के बेटे बेटियों ने अपने मां बाप की मुसीबतों से गुजरते थे, जिंदगी जीते थे, उससे वो अनभिज्ञ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है कि उसे भारतीय जनता पार्टी में हमारा मेंबर बनाकर के, साथी बनाकर के, उसे हम कहां से कहां देश को ले गए ये आत्मविश्वास से भरने की जरूरत है। साथियों, 18 से 25 का उम्र का व्यक्ति मेरे लिए भाजपा के मतदाता जैसे सीमित स्वार्थी विचार से मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। मेरे सामने 18-25 साल का उम्र का नौजवान, वो मेरे 2047 के सपने का सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। 2047 में मेरा देश विकसित भारत बनेगा। आज जो 18-20-22-25 साल का नौजवान है, वो उस समय 50 साल का हुआ होगा, उसकी जीवनी की सबसे ऊर्जावान समय देश विकसित भारत की यात्रा में होगा। उस समय उसकी जीवन की यात्रा चलती होगी। एक इतना बढ़िया संयोग होगा
कि उसका सामर्थ्य हमें विकसित भारत बनाने के सपने पूरे करने में काम आएगा। और इसलिए विकसित भारत के सपने पूरे करने के लिए जिस सामर्थ्य की मुझे जरूरत है, वो 18 से 25 साल का मेरा नौजवान है, उसे हमने इस विचार से जोड़ना है, नेशन फर्स्ट के लिए जीने के लिए जोड़ना है। हम सिर्फ चुनावी मशीन नहीं है, हम वो खाद पानी है जो देशवासियों को सपनों को हम सींचा करते हैं। हम वो खाद पानी है जो अपने आप को खपा करके देश के सपनों को, संकल्प और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अपने आप को डुबो देते हैं जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव, कुछ लोगों ने कह दिया है मशीन, ये तो चुनावी मशीन है भाजपा के पास, इससे बड़ा भाजपा का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अरे चुनाव जीतना, ये तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास के परिणाम, एक बाय प्रोडक्ट है। और इसलिए साथियों, हमें निरंतर नई पीढ़ियों को भी तैयार करना है। और एक बात मान के चलिए, जो ये सोचता है कोई आएगा तो मेरा क्या होगा, वो मान के चल रहे हैं कोई आएगा तो नहीं, लेकिन तुम जाओ वहां से कहीं ऊपर जा नहीं सकते हो। जैसे जैसे नीचे तुम नए लोगों को लाते जाओगे, वैसे वैसे तुम ऊपर चले जाओगे। ऊपर जाने का तरीका यही है कि नीचे जितनी मजबूती देते हुए उतना ऊपर जाने की गारंटी पक्की हो जाती है। कुछ लोगों की मानसिकता रहती है, करे यार आए गया तो मेरा क्या होगा, वो आएगा तो आपकी मजबूती बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपके द्वारा इच्छित कामों को परिणाम लेने में वो आपका साथी बनकर के काम करेगा। साथियों, लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाली हमारी पार्टी है। हम व्यवस्था में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, हम विचार में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, हम संस्कार में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं। हमारा ये सदस्यता अभियान उस नई ऊंचाइयों को पार करने वाला बने, समाज के अधिकतम लोग कहें, मैं तो शुरू यही चाहूंगा आप अपने इलाके में कि जिस पोलिंग बूथ में सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं ना, सदस्यता अभियान वहीं से शुरू करो, जिसे आप पिछले 2-3 चुनाव में जिसको सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं, जहां पर आपको मिनिमम वोट मिले हैं, सदस्यता अभियान वहीं शुरू करना चाहिए। दोस्तों, चुनौती को चुनौती देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की रगों में है। जहां सदस्य सरलता है, जहां स्वीकार्यता है, जहां सम्मान है, आदर सत्कार है, वहां तो मेंबरशिप करना आसान हो जाएगा, उसको करते भी रहना है। लेकिन जहां चुनौती है, वहीं दिलों में कमल खिलाना है। और हमारी कसौटी सीमा है साथियों, आज देश के गरीब का सबसे अधिक विश्वास हमारी नीतियों में है,
हमारे निर्णयों में है, हमने लिए हुए रास्ते से मिले परिणामों में है। और इसलिए हमें उस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। मुझे पक्का विश्वास है नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी की संगठन की शक्ति पूरी तरह लगी है, तब ये सदस्यता अभियान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये सदस्यता अभियान अनेक नए बूथों तक पहुंचेगी। ये सदस्यता अभियान देश के सबसे पहले गांव है वहां पर भाजपा का झंडा हम यहां से देख सके ऐसे बनेगी। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की।